नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। विपक्ष के इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया पर प्रधानमंत्री मोदी ने टिप्पणी की, जिसके बाद से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन के बाद अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। देखिए ये रिपोर्ट। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये बयान विपक्ष के किसी नेता ने दिया होता तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। वहीं सपा सांसद जया बच्चन ने कहा, मैं प्रधानमंत्री पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, मैं उनकी कुर्सी की इज्जत करती हूँ। उनकी पार्टी द्वारा, उनके द्वारा जितने भी भाषण दिए गए हैं 2014 से लेकर आज तक, उसमें सभी जवाब मिल जाएंगे। दरअसल बीजेपी संसदीय दल की बैठक के दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के बने इंडिया गठबंधन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये पूरा विपक्ष दिशाहीन है। इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा है। इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई के नाम में भी इंडिया का नाम आता है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की बैठक में कहा कि विपक्ष के व्यवहार से लगता है कि उसने लंबे समय तक विपक्ष में बने रहने का फैसला कर लिया है। वहीं पीएम मोदी के इस बयान के बाद से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष मान चुका है कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। पीएम ने एक टिप्पणी की है, इंडियन नेशनल कांग्रेस अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाई थी, आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपल्स फ्रंट भी रखते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ तो अंग्रेजों ने किया, हमने पीपल्स फ्रंट को बैन किया, वो भी खुद को इंडिया कहते हैं। आज के समय में इंडिया का नाम जोड़ने का जो फैशन है वो अर्बन नक्सलवाद से संबंधित है, वो खुद को वैध करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं और ये सभी अर्बन नक्सलवादी हैं। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ नाम में इंडिया लगा लेने से कुछ नहीं होता है। बता दें कि विपक्ष मणिपुर हिंसा पर हंगामा करते हुए संसद नहीं चलने दे रहा है, जबकि मोदी सरकार चर्चा के लिए तैयार है। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने इस तरह का दिशाहीन विपक्ष नहीं देखा। उन्होंने कहा कि ये लोग भ्रमित हैं और इनके बर्ताव से ऐसा लगता है कि ये दशकों तक सत्ता में नहीं आना चाहते। उन्होंने विपक्ष को बिखरा हुआ और हताशा करार दिया। हालांकि प्रधानमंत्री ने एक तरह से साफ कर दिया है कि वो संसद में विपक्ष के उपद्रव के सामने झुकने वाले नहीं है, जिस वजह से विपक्ष बौखलाई हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।